एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कविता एंड टुडे आई एम गोइंग टू नो आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग। दिस इज अ बिग सरप्राइज फॉर मी। हो सकता है आप लोगों के लिए भी ये सरप्राइज हो, तो चलिए देखते हैं आज कहाँ जा रही हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ। बताती हूँ मैं आपको, वेट कीजिए तब तक आप सब भी। और तब तक प्लीज बोर मत होना, इस वीडियो को पूरा देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मे बी ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग हो, बहुत अच्छी हो, मे बी, आई डोंट नो। चलो तब तक मैं आप सबको मौसम का हाल बता देती हूँ। सुबह जब हम घर से निकले थे बहुत अच्छी धूप थी, मैं अपनी कोई जैकेट नहीं लेके आई हूँ, हीरोइन बन के आ गई हूँ। और क्या नाम है, ठंड हो गई है अब बहुत अच्छी वाली हो गई है, और मे बी बारिश हो जाए, और जिसका मुझे बहुत खेद है कि मैं अपनी जैकेट नहीं लेके आई। अब मैं थोड़ा हीरोइन वाला फील ले रही हूँ, तो देखते हैं कैसे कटेगा सफर ये। तब तक आप वीडियो में बने रहिएगा। कहाँ चली कविता आज? मुझे भी नहीं पता कहाँ ले जा रहे हो आप। मेरे तो सरप्राइज है, और जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे मे भी उन लोगों के सरप्राइज है। मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रहे हैं बता तो दो भाई कोई। एक्चुअली आई एम टू एक्साइटेड टू गो बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट टाइम व्हेन आई गो आउटसाइड। नहीं तो मैं अपने आस पास ही घूम रही होती हूँ। बस अभी मैं ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली हूँ, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तो मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ, बिकॉज इंडिया के एयरपोर्ट ऐसे ही होते हैं। और जबकि मैं अभी यहाँ के रेलवे स्टेशन पे हूँ, आप भी देख लीजिए। Let's see where I am going. I'm too excited. ऐसे तो बहुत सारे कैथेड्रल है, लेकिन ये सबसे बड़ा कैथेड्रल है जो कि मैंने कोलोन में देखा है। दिस इज कोलोन मेन स्टेशन। सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल। और मौसम थोड़ा ठंडा है तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा अपने बिना जैकेट के। बारिश ही पड़ने वाली है ऐसा लग रहा है। सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी। घर चले, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना गाइस, जब हम ट्रेन में थे तो हमने देखा कि हमारी सीट के पास एक फ़ोन रखा हुआ है, और वो किसी का रह गया है आई थिंक। और तो हमने क्या, उनको लास्ट जो कॉल थी तो हमने उस पर कॉल किया, एंड देन उन्होंने हमसे कहा कि हम इस कैथेड्रल के सामने मिलते हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर हिम एंड लेट्स सी। मतलब अच्छा भी लग रहा है, मिक्स फीलिंग है, एंड आई रियली वॉन्ट टू गो होम बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और अभी जिसमें भी ठंड आई नहीं है, लाइक अक्टूबर में मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। बहुत ठंड, बहुत है ठंड, बहुत है ठंड, बहुत है, मौज होगी लौंडा, मौज होगी। पर कोई नहीं, मोमेंट तो इन्जॉय करना ही है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप रोज़ रोज आ सकते हो, वेदर भी देखना होता है।
प्लस आई हैव टू किड्स सो डोंट एबल टू कम ऑन अ डेली बेसिस. अभी आप सबने देखा कि सुशील उसको फोन वापस करने गए थे, तो बदले में उसने सुशील को 10 यूरो देने के लिए इंसिस्ट करा और कहा कि आपने इतनी देर हमारा वेट किया और संभाल के रखा. दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर हिम. सो ही वॉज गिविंग 10 यूरो फॉर अस एंड इट्स अ गुड थिंग, बट सुशील डिनाई टू टेक इट. एक अच्छी सी भूख तो हम प्लान कर रहे हैं कि कुछ खा लेते हैं चल के. अब हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल जो कि कलोन में ही है. यह इस्कॉन टेम्पल का फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे सभी भक्तजन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं, और नीचे कीर्तन हॉल है जहाँ हर संडे को भागवत गीता का पाठ आरती और भजन किया जाता है. वहाँ सभी नाचते हैं मिलजुल के, और अभी उसी को ही एंजॉय करने के लिए चले चलते हैं हम कीर्तन हॉल में. जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, जर्मनी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, और आज मैं आई हुई हूँ इस्कॉन टेम्पल. और इस्कॉन टेम्पल में मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा कि कंट्री सिर्फ ब्यूटीफुल बाहर से हो तो अच्छा लगता है, लेकिन जब दिल से हो तो और भी अच्छा लगता है. आज जर्मन लोगों के मुंह से गुणगान करते देख हरे कृष्णा हरे रामा बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा. इसको मैं अपने शब्दों के थ्रू नहीं बता सकती आप सभी को. मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी यहाँ पे भागवत गीता की बुक्स रखी हुई हैं, और ये देख के मुझे बहुत अमेजिंग लगा, बहुत ही अच्छा लगा. और हमें भी पढ़ते रहना चाहिए, अपने कल्चर को अपनाना चाहिए. बहुत ही खुशी होती है, हमें अपने देश की संस्कृति को याद रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए. हरे कृष्णा आप सभी को. I never believed that I never ever in that God in my life. No, not me, but I know.